ये मुझे कत्ल कर देंगे। इन्होंने मंसूबा बना लिया है। सिंसे किलर्स भी हायर कर लिए गए। एक ताकतवर सियासतदान सारी साजिश के पीछे है। मुल्क के बड़े और ताकतवर सहाफी के कत्ल का प्लान। सहाफी फहद शहबाज ने सीनियर सहाफी को कोट करके बड़ा दावा कर दिया। सहाफी फहद शहबाज ने एक वीडियो जारी की जिसमें वो किसी सहाफी का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहानी का आगाज ही उस सहाफी की गुफ्तगू से किया। कहते हैं कि वो एक सहाफी से मिले हैं जो मुल्क के ताकतवर तरीन और बड़े सहाफियों में से एक हैं। उस सहाफी ने बताया कि मेरे कत्ल की साजिश तैयार कर ली गई है। एक ताकतवर सियासतदान इस साजिश के पीछे है। मुझे कत्ल करने के लिए सिंध से लोग हायर किए गए हैं। सहाफी के मुताबिक जब उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्हें जिस मकाम पर वो रह रहे थे छोड़ने का कहा गया। तब वो एक जजीरे पर मुंतकिल हो गए। कुछ दिन बाद उस जजीरे के आसपास हलचल महसूस होने पर मकामी अफराद ने उन्हें यहाँ से भी जाने का मशवरा दिया। फाश अब्बास के मुताबिक सहाफी ने बताया कि वो यहाँ से निकलकर पहाड़ों पर चले गए और वहाँ उनकी मुलाकात एक सूबे के सरबराह से हुई जिन्होंने सहाफी को अपने पास रहने की पेशकश की। सहाफी का कहना था कि उन्होंने उस सूबे के सरबराह की पेशकश को कबूल नहीं किया। गुफ्तगू के दौरान सहाफी ने अपने कत्ल में मुलव्वस तमाम अनासिर की निशानदही करते हुए फाश अब्बास को नाम बता दिए। सोशल मीडिया पर वायरल इस क्लिप ने हलचल मचा रखी है।